अ वेरी वॉर्म वेलकम टू यू ऑल। तो आर टूडेज एजेंडा इज कि हमें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कवर करना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर ही मैं आपको बता देता हूँ कि जो आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं दे इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन यूजिंग मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बहुत ज्यादा आजकल पूछने लगे हैं और अच्छा क्वेश्चन आने लगा है आजकल। ऐसा है कि द लेवल ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज एज कम्पेयर टू पुराने सालों में जो होता था। सो वेन यू वर सॉल्विंग द डीपीपी 1 एंड 2, तो पहले तो कितने लोगों को फील हुआ कि यार क्वेश्चन डुएबल तो है बट बहुत ही ज्यादा लंबा हो जा रहा है। कई बार कर तो पाऊंगा मैं क्वेश्चन, आई विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अ लॉट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, 2 2.5 मिनट से ज्यादा ले रहा है। तो कई हर किसी का रेफरेंस अलग है, मेरे लिए 2.5 मिनट से ज्यादा इज अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि पेपर में क्या होगा ना, 2.5 मिनट तुम्हारे पास होंगे नहीं। मतलब क्योंकि अगर तुम हर सवाल पे 2 2.5 मिनट लगाने लगे तो एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो आज के सेशन में ना मेरा टारगेट यही रहेगा कि जो तुम्हें ये बड़े बड़े क्वेश्चंस लग रहे थे ना, उन्हें हम 1 1 मिनट में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स है। तो मेरे को इसमें बहुत लॉजिकली समझ में आता है कि यार क्या अप्रोच करना चाहिए। तो मैं वही मेथड्स तुम्हें एग्जैक्ट सिखाने की कोशिश करूंगा, यही अपना आज का टारगेट है। तो पहले तो कितने लोग चाहते हैं, पहले ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो कि भाई कैसे करना है अप्रोच, रादर देन क्वेश्चंस के साथ साथ बताना, पहले ही एक इंट्रोडक्शन दे दो। ओके, मोस्ट ऑफ यू वांट दिस। सो देखो, मुझे लगता है दो तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वन इज जहाँ पे मॉडुलस फंक्शन होता है, राइट। अनदर इज जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें देखने को मिलता है, राइट। अब जहां पे भी मॉडुलस आएगा, देखो स्टैंडर्ड टाइप की चीजें क्या होंगी, मॉड एक्स माइनस ए, मॉड एक्स माइनस बी, लेट्स से दिस इज द थिंग। जहां पे भी इंडिविजुअल मॉड 0 हो रहा है, दैट इज एट एक्स इक्वल टू ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट्स पे माय फंक्शन इज गोइंग टू बी कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशियबल इन नेचर। ये बात मुझे समझ में आनी चाहिए। अब अगर कुछ मल्टीप्लीकेशन में, मान लो एफ एक्स इंटू मॉड एक्स माइनस ए जैसा कुछ होता, तो एट एक्स इक्वल टू ए, अब जहां पे भी ये 0 हो रहा है, बिकॉज एफ इज इन द मल्टीप्लीकेशन, देखो इसका भी इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो अब मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, अब मुझे एट एक्स इक्वल टू ए आई नीड टू चेक कि मेरा फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नहीं है, क्या पता डिफरेंशियबल ही हो जाए। अच्छा, आप चेक कैसे करते हैं, मैं पूरी जर्नी क्लियर कर देता हूँ। जनरल थॉट क्या होता है, ए प्लस लिखो तो एफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए आएगा, एक्स टेंडिंग टू ए माइनस लिखो तो एफ एक्स इंटू ए माइनस एक्स आएगा। हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों का डेरिवेटिव जो भी होगा एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो डिफरेंशियबल है, नहीं आया तो नॉन डिफरेंशियबल है। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। ये बात अभी तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगी आज क्वेश्चन के साथ भी, बट इट इज अ ब्रीफ जो तुम्हें अभी के लिए बताना चाहिए। अब देखो जिंट में क्या होगा, जिंट में कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स आ गया, अगर वेर एवर दिस एफ एक्स इज बिकमिंग इंटीजर, उन सारे पॉइंट्स पे आपका फंक्शन इज गोइंग टू बी डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर। एंड अब अगर कुछ मल्टीप्लीकेशन में आपके पास जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, नाउ बिकॉज जी एक्स इज इन द मल्टीप्लीकेशन, इसका इफेक्ट भी आ रहा है, तो तुम्हें वेर एवर योर एफ एक्स इज बिकमिंग इंटीजर, उन सारे पॉइंट पे वी हैव टू चेक फॉर द कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि हो सकता है कॉन्टिन्यूअस हो जाए अब, राइट। तो ये दो बातें आपको इसी तरह से याद रखना है ना, कुछ कॉम्प्लीकेट मत करना। इसके अलावा मैं एक और बात भी बता देता हूँ, जहां पे भी मिनमैक्स का सवाल दिखेगा वहां पे ग्राफ बनाएंगे, अदरवाइज ज्यादातर सवालों में ग्राफ बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो ये पेज याद रखना, अभी आज इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छे से, देखते हैं क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग विद आर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एफ इज डिफाइंड ऑन -5 to 5, एफ एक्स मुझे दिया हुआ है एक्स व्हेन एक्स इज रैशनल, -x व्हेन इट इज इरैशनल, दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो देखो पहले तो अगर मैं कोई भी एक इंटीजर ले लेता, मान लो आई प्लस, मुझे तो पता ही नहीं ना कि अगर कोई भी एक आई मान लेते हैं, कुछ भी एक कोई भी नंबर पे टेंड करता है अगर, तो आई डोंट नो कि ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा, आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट दैट पार्ट। तो मैं कॉन्टिन्यूअस तो बोल ही नहीं सकता ना, मैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को तो यही नहीं पता फंक्शन रैशनल होगा कि इरेशनल, ठीक है। बट अगर मैं कोई स्पेसिफिक केस मानता हूँ, मान लो अगर फंक्शन रैशनल था तो आई आता, अगर इरेशनल था तो माइनस आई जैसा कुछ आता, अगर ये दोनों ही इक्वल हो जाएं तो उस पॉइंट पे तो वैसे ही कंटिन्यूअस हो जाएगा, डजंट इवन मैटर कि रैशनल था या इरेशनल था। तो मतलब एट आई इक्वल टू 0 माय फंक्शन इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस, बाकी और किसी भी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, तो दिस इज द आंसर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था जिसमें जनरली एक बार पहले से किया हो तो कभी बाद में फंसोगे नहीं अब इस टाइप में। चलिए आगे देखते हैं, ये स्टार्ट करने के लिए आसान था। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। 5th में क्या है, एफ बी अ कॉम्पोजिट फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ यू गिवन है मुझे 1 by some quadratic और u function भी मुझे दिया हुआ है। They are asking number of points where f is discontinuous. Continuous functions में trap क्या होता है, लोग गलत क्या करते हैं? देखो मान लो अगर तुम्हें f of g of x का निकालना था, तो तुम्हें सबसे पहले चेक करना चाहिए कि g x कहाँ कहाँ पे continuous या discontinuous होगा। क्यों, ऐसा क्यों, अगर इनपुट ही वैलिड नहीं, आउटपुट कैसे वैलिड आ जाएगा, इनपुट तो वैलिड होना ही चाहिए, राइट। ये स्टेप लोग मिस करते हैं। अगला स्टेप है f of g of x चेक करो कहाँ discontinuous है, डायरेक्टली नहीं जाना, इनपुट को चेक करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अब जैसे हमें पॉइंट्स निकालने हैं, f of u तो गिवन है, बट तुम्हें यू एक्स भी तो गिवन है, यू एक्स कहाँ डिस्कंटिन्यूअस है, व्हेनेवर द डिनोमिनेटर इज 0 तो एक्स इक्वल टू 1 एक पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, अगर इक्वल टू 0 हो गया डिनोमिनेटर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहे हैं, रूट्स, यू कैन बी इक्वल टू -2 और इट कैन -2 ही बन रहा है ना हमारे पास, हाँ यू कैन बी -2 और इट कैन बी 1, राइट। तो
इट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1, तो दो और रूट्स आ गए आपके पास आई गेस यहाँ से, राइट? तो इन शॉर्ट वी आर गेटिंग थ्री पॉइंट्स वेयर माय फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस. लोग ये x इक्वल टू 1 को मिस कर देते हैं, ये याद रखना है, ठीक है ना? चलिए, किस किस को क्लियर हो गया ये चीज कि ये फर्स्ट स्टेप क्यों करना है, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ये किस किस को क्लियर हुआ? इनपुट ही वैलिड नहीं है तो आउटपुट कैसे वैलिड आ जाएगा, दैट इज द क्लियर रीजन, राइट? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6 में क्या है, इफ द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज गिवन टू अस, कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो मुझे ऑर्डर्ड पेयर के एंड एफ ऑफ 0 चाहिए. ओके, ऑनेस्टली देख के कुछ समझ में नहीं आया तो मैं एलसीएम ले लूंगा. इट इज ई पावर 2x माइनस 1 माइनस के एक्स प्लस एक्स, एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव एक्स ई पावर 2x माइनस एक्स. मेरे को क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मुझे निकालना है, एंड इट शुड बी फाइनाइट क्योंकि कॉन्टिन्यूअस गिवन है. दिस इज द थिंग जो मेरे को समझ में आया. न्यूमिनेटर तो 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, तो 0 बाई 0 में एक ही थॉट होता है, एलएच रूल, राइट? एलएच रूल लगाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा. वी हैव 2e पावर 2x माइनस k प्लस 1, डिनोमिनेटर में पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, दैट इज e पावर 2x प्लस 2xe पावर 2x माइनस 1. ओके, अब तुम्हारे पास फिर से लिमिट तो एक्सटेंडिंग टू 0 है, न्यूमिनेटर क्या बन रहा है, न्यूमिनेटर इज बिकमिंग 3 माइनस k. व्हाट इज द डिनोमिनेटर बिकमिंग, डिनोमिनेटर बन रहा है 0. समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज फाइनाइट, ये तो तभी हो सकता है अगर न्यूमिनेटर भी 0 होगा, मतलब सर k की वैल्यू तो आ गई, इट इज 3. आधा काम खत्म, अब आगे क्या करना है, दोबारा एलएच रूल लगा दो, इट इज 0 बाय 0 फॉर्म, क्योंकि तो क्या बनेगा, 4e पावर 2x अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 2e पावर 2x प्लस 2e पावर 2x प्लस 4xe पावर 2x, एवरीथिंग इज कैंसल्ड, योर आंसर इज जस्ट इक्वल टू 1, ठीक है ना? तो क्वेश्चन एलएच रूल से सॉल्व हो गया, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है. किस किस को क्लियर हुआ ये चीज, ये वाला स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? ये स्टेप बहुत जगह पे क्योंकि आता है ऐसा कि डिनोमिनेटर में 0 बन गया बट न्यूमिनेटर में सोचना होता है कि न्यूमिनेटर शुड ऑल्सो बी 0 तभी फाइनाइट आएगा. कोई कंफ्यूजन है किसी को? ओके, आगे देखते हैं, है ना? ये जो मेथड दिया है ऐसे करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू यूज एक्सपेंशन. अब जैसे सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ में क्या है ना, देखो क्या है, फॉर ईच टी बिलोंगिंग टू रियल नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर टी इज देयर, मुझे क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस निकालना है, और कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन दिख रहा है. ऑनेस्टली बताओ कितने लोग ये फंक्शन देख के ही हो गया था कि यार ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट है, ऐसा ही थॉट आया था देख के जब ये फंक्शन पढ़ा था. देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, हमेशा आपको पहले ना फोकस करना है लिमिट पे. लिमिट 1 प्लस है, तुम्हें ऑलरेडी एक नंबर दे दिया गया, सोचो तुम्हारे मॉड ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई सेंस ही नहीं है. कैसे, देखो मॉड एक्स, मॉड एक्स तो पॉजिटिव है, मॉड एक्स इज जस्ट एक्स, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इज नेगेटिव, तो इट विल जस्ट बी एक्स माइनस 1. ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कैसा है, 1.1 ले लो एक्स को, क्या ये माइनस 0.1? ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो क्या बनेगा, माइनस 1. डिनोमिनेटर भी आ गया इसी तरीके से, दिस इज माइनस 1, दस अदर थिंग इज एक्स माइनस 1. जब ये नंबर दे दिया ना कोई, इट मींस इन सबकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, बस उसने दिखाने के लिए मुश्किल बनाकर दिया है तुम्हें थोड़ा. अब ये क्या बन गया, इट इज 1 माइनस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 तो माइनस 1 ही आएगा, डिनोमिनेटर में भी है ये, कट गया, एंड इट इज एक्स माइनस 1. नाउ माय आंसर इज माइनस 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इट इज अगेन 1, ठीक है ना? तो आंसर इज 0. बहुत ईजी हो गया, बट ये चीज समझ में आनी चाहिए अब से, तुम्हें देखते ही पता लगना चाहिए कि यार नंबर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सोचो, मुझे कोई जनरल सॉल्व नहीं करना है कुछ, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज नाइन्थ वन. नाइन्थ इज अमेजिंग क्वेश्चन. जब ये फंक्शनल इक्वेशन आता है ना, बड़े सारे सवालों में तुम्हें दिखा होगा फंक्शनल इक्वेशन, और बड़े कॉम्प्लिकेटेड से तरीके होते हैं. जैसे देखो यहाँ पे भी एक तरीका दिया हुआ है, बट मेरे साथ क्या होता था ना, मेरे से कभी ये सोचे ही नहीं जाते थे बैठ के. मुझे लगता था कि यार ये तो मैं लगा ही नहीं पाता हूँ, किताब में तो बड़ा अच्छा लगता है मेथड लिखा हुआ, बट जब मेरे को करना पड़ता है खुद से तब नहीं हो पाता है. तुम्हारे साथ भी ऐसा थॉट होता है क्या, किसी के साथ होता है ऐसा, जैसा मेरा सिचुएशन था? तुम लोगों के साथ भी है, काफी सारे ऑलमोस्ट 50% लोगों के साथ ये सेम इशू है. ओके, तो मैंने ना इसका एक तरीका सोचा था कि यार क्या कर सकता हूँ मैं हमेशा, तो वो हर सवाल पे लग जाएगा भी वो मेथड. अपन मेथड समझते हैं. देखो उसने क्या गिवन दिया, लेट एफ बी अ फंक्शन सच दैट, एक फंक्शनल इक्वेशन दे दिया एक्स और वाई में, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है इक्वेशन को. अभी क्या है, एफ ऑफ 0 इज गिवन एज 3, एफ डैश 0 इज गिवन एज 3, एफ एक्स बाई एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ये सब पूछ रहे हैं. या तो इस फंक्शनल इक्वेशन को कुछ ना कुछ करके, जैसे देखो डेरिवेटिव गिवन है, दिस इज द हिंट कि डेरिवेटिव का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, तो काफी लोग तो एफ डैश फर्स्ट प्रिंसिपल से लिखना शुरू करते हैं, बट मेरे को वो मुश्किल लगता है. तो मैं क्या करता हूँ, आई ऑलवेज डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स बाय कीपिंग अनदर वेरिएबल एज कॉन्स्टेंट. वाई इज कॉन्स्टेंट फॉर मी, मैं पार्शियली डेरिवेटिव लूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, मुझे वाई से कोई मतलब नहीं है. देखो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू हाफ इक्वल टू, इस इधर एफ डैश एक्स बाई टू आ जाएगा, बट एफ वाई का डेरिवेटिव तो जीरो होगा क्योंकि वाई इज कॉन्स्टेंट. तो यहां से हमारे पास ये आ गया अभी जो हमने लिखा है. अब देखो तुम्हें इसके आगे नहीं समझ में आ रहा, बट एफ ऑफ जीरो गिवन है, जीरो कैसे बन सकता है, y को माइनस एक्स कर देंगे तो जीरो बन जाएगा, तो f डैश जीरो इज इक्वल टू f डैश x, तो इट मींस f डैश x इज इक्वल टू 3 ऑलवेज. तो भाई fx की वैल्यू क्या आ गई यहां से, इट इज 3x प्लस सम कांस्टेंट,
इंटीग्रेट कर दिया, तो मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू सी का वैल्यू भी आ जाएगा, ये गिवन है क्योंकि, तो इट इज 3x+3। देख लो अब जो भी आंसर है, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रख देना है, वाई इज कांस्टेंट फॉर मी, वाई की टेंशन नहीं लेंगे। किस किस को समझ में आया? अमेजिंग मेथड है, बहुत जल्दी सॉल्व होता है क्वेश्चन, ये सब टेंशन में नहीं पड़ना पड़ता है। और भी मैं क्वेश्चन देखूं अगर ऐसा है, कौन कौन चाहता है ऐसा क्वेश्चन पहले ही करा दो, अगली डीपीपी का भी अगर कोई है तो प्लीज रेज हैंड। ओके, तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट डीपीपी में कौन से क्वेश्चन हैं। ये तो 15th क्वेश्चन आई थिंक फंक्शनल इक्वेशन का मुझे रिसेंटली मिल रहा है, एक नेक्स्ट डीपीपी का 15th क्वेश्चन भी अभी कर लेते हैं, इससे क्या होगा समझ में आने लगेगा मेथड ज्यादा क्लियरली। fx इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट, एक फंक्शनल इक्वेशन दिया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx / x इज 210, f ऑफ 2 मुझे चाहिए। पहले तो इसको देखो, ये सबसे आसान चीज दिख रही है क्योंकि डिनोमिनेटर इज 0, आंसर इज फाइनाइट, तो मतलब न्यूमरेटर भी 0 होगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 तुम्हें गिवन है। LH रूल लगाओ, तो f डैश 0 आ गया तुम्हारे पास 210, ये भी मिल गया, ये दो चीजें तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। अब क्या करना है तुम्हें, ये फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना था, जस्ट टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। क्या बनेगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स, एफ वाई का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, नेक्स्ट विल बी 2y, दिस इज वॉट वी विल गेट। ओके, इसमें भी यही सोचो कि यार गिवन क्या है, एफ डैश 0 इज गिवन टू यू, तो अगर y को माइनस एक्स कर देंगे तो काम बन जाना चाहिए, तो वी आर गेटिंग एफ डैश 0 दैट इज 210 इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस 2x, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया, देखो डेरिवेटिव आ गया, इंटीग्रेट कर दो आंसर भी आ जाएगा, तो योर आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 210x प्लस सम कांस्टेंट, एफ ऑफ 0 इज 0 तो कांस्टेंट भी 0, ये आ गया फंक्शन, अब कर लो जो भी निकालना था। अब किस किस को और क्लियर क्लैरिटी आया कि करना क्या है, डेरिवेटिव ले लेना है, काम बन जाएगा, ज्यादा कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, और कोई रैंडम मेथड ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये दिखने में अच्छा लग रहा है, जब तुम्हें कोई मुश्किल इक्वेशन मिल जाएगी तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे इस तरीके से, ये तो फिर भी थोड़ा आसान इक्वेशन है। बाय चांस अगर कल को कुछ भी मुश्किल आ गया, इन जेई एडवांस ऑल्सो, जेई एडवांस में भी मैं लोगों को यही मेथड सिखा रहा होता हूँ कि यार डेरिवेटिव लो, काम खत्म करो, इतने सारे रैंडम मेथड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू करते हैं हम अपने पुराने डीपीपी को जो हम कर रहे थे। ठीक है, चलो तो अब 11th क्वेश्चन देखते हैं, पिछले डीपीपी में आ गए अभी, है ना, बैक टू द ओल्ड वन। सो इसमें क्या है, fx is given to us as a piecewise defined function, the graph of fx is continuous differentiable, पूछ रहे हैं x equal to 3 पे। देखो जिसने भी फिल किया था, continuity तो क्या है, पुट कर दिया 3, इसमें 1 आ गया, इसमें 3 पुट किया तो 1 आ गया, yes it is continuous। derivative के लिए क्या करेंगे, direct derivative ले लो, इसका derivative क्या है, 1 by 2 root 10 minus x square into minus 2x, 3 पुट करके देखो क्या वैल्यू आ रहा है। सिमिलरली दूसरी साइड का डेरिवेटिव इज माइनस ई पावर एक्स माइनस 3, इधर वैल्यू माइनस 1 है, देखो मैच हो रहा है, तो दैट विल देन इट विल बी डिफरेंशियबल, अदरवाइज नहीं है, है ना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सीधा डेरिवेटिव लेंगे, काम खत्म करेंगे। आधे लोग तो पता नहीं, मेरे को एक पिछले बैच में किसी ने आंसर दिया कि सर मैंने तो ग्राफ ही बना दिया, किसी ने ये सब तो नहीं किया था ना तुम्हारे में, किसी ने किया था सर ग्राफ ही बना दिया मैंने तो सर उससे देख रहा था मैं, है ना, नहीं करना है वैसा, है ना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को, सिंप्लीफाई करना इज द मोटिव। ओके, लेट्स मूव फर्दर, 14th क्वेश्चन, 14th में जाता हूँ, तुम लोग थोड़ा आंसर करो, तुम लोगों से डिस्कशन होगा तो आई कैन गिव यू सम गुड मेथड्स ऑल्सो। सो कंसिडर द फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2 गिवन है, fx मुझे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दिया हुआ है, दे आर आस्किंग जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशियबल फॉर ऑल x, तो a और b का वैल्यू बता दो। सो यस, अप टू यू गाइस, यू कैन रेज हैंड जिसके पास भी कोई अच्छा मेथड है, जिसने भी कुछ भी सोचा था, आई जस्ट वॉन्ट कि हम डिस्कशन करें, अदरवाइज मैं फिर एक ही मेथड बता पाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं बताऊंगा। सो यस सूर्यांश सर, वैल्यूज को पुट करके मॉड डिफाइन कर देंगे और फिर वैल्यू पुट करके निकालेंगे, और भी कैसे पुट करेंगे सर, पहले मॉड को डिफाइन कर देंगे जो भी है, मतलब okay, तो पहले मतलब तुम f of x minus 2 को लिख दोगे कि क्या बन रहा है वो, उसके बाद तुम जहां पे भी ब्रेक पॉइंट होगा वहां पे चेक करोगे, राइट। ओके, अब सूर्यांश ये सोच, इसको हटा सकता है क्या, ये स्टेप सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि राइट, ये लिखना, इसको सिंपलीफाई करना, यस सर, इसको कैसे हटा सकते हैं, सोच के देख, देख अगर ये फंक्शन fx था फॉर एग्जांपल, है ना, ये पॉइंट मान लो x इक्वल टू 0 पे आता था, अब f of x minus 2 में इनपुट 0 कब होगी, 0 पे, मतलब वो 2 पे आएगा, अब ये सेम चीज 2 पे, तो क्या हुआ, बस इसको शिफ्ट ही तो किया 2 यूनिट इधर, राइट, दिस इज f of x minus 2, तो अगर f of x minus 2 कंटीन्यूअस डिफरेंशियबल है तो fx भी होना चाहिए, सही बात है ना, यस सर, उठा के ही तो रखा है थोड़ा साइड पे, तो मुझे ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बस इसको ही कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियबल कर देना चाहिए, काम खत्म हो जाएगा, सोच के देख, है ना, सही बात बोल रहा हूं, हां सर सही तो है, है ना, लॉजिकली सोचेगा तो कितना आसान हो गया, आप देख, तो अब तुझे कुछ नहीं करना, मॉड x 1 प्लस n 1 माइनस पे देख लेंगे हम लोग, 1 प्लस पे क्या बन रहा है, 1 1 माइनस पे a प्लस b, वन थिंग इज कंटिन्यूटी के लिए a प्लस b इज 1, एक ही ऑप्शन कर रहा है मेरे को दिख रहा है सेटिस्फाई, इसको ही ओनली वन ऑप्शन, ये दोनों है नहीं, नन ऑफ दिस पे मेरे को भरोसा है नहीं, मैं पेपर में होता तो मार्क कर देता
एक्स माइनस टू पुट कर देते तो एक्स स्क्वायर हो गया, थोड़ा सा बड़ा होता था बस, पर हो जाता। मतलब वो करने की जरूरत ही नहीं है। अब सोचो अब कल को क्या, ये मैंने क्यों बोला कल को, सोचो 5x माइनस टू कुछ भी रैंडम कर दे, कुछ खास नहीं हो रहा है, श्रिंक हो रहा है या तो शिफ्ट हो रहा है। श्रिंक और शिफ्ट होने से कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो दैट इज हाउ वी कैन थिंक, राइट? ये अच्छा मेथड हो जाएगा। चलिए, किस किस को समझ में आया वैसे, ऑनेस्टली? ऑसम है ना, मेरा काम तुम्हें जेई का सिलेबस कराना नहीं है, मेरा दिमाग है कि थोड़ा दिमाग खुल जाए ताकि तुम कुछ भी पेपर में आए तो डरो मत किसी चीज से। अब तुम्हें बड़े बड़े सवाल देख के लग रहा होगा ना कि हो तो सकते हैं आसानी से। अब हम शुरू करेंगे डीपीपी टू, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डीपीपी, वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डीपीपी क्या बोल रहा हूँ मैं, डिफरेंशियबिलिटी पार्ट इसमें ज्यादा आ रहा है क्योंकि ये पार्ट, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पार्ट पे। सो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन मॉड एंड जेंट इन दिस, तो काफी प्रैक्टिस हो जाएगा, फर्स्ट पेज को रिकॉल करेंगे बार बार। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वन, सो क्वेश्चन वन में मेरे पास यहाँ पे क्या है कि एफ वी एफ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज मैक्सिमम ऑफ दीज टू थिंग्स, के इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर इट इज नॉन डिफरेंशियबल, तो कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हमने क्या बात किया था, जहां भी मैक्स मिन होगा वहां पे हमें ग्राफ बनाना होगा, बाकी और कहीं पे हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्स मिन है, बनाते हैं। पहले तो माइनस मॉड एक्स, मॉड एक्स ऐसा दिखता है, माइनस मॉड एक्स का मतलब क्या, उल्टा कर दिया, कर देते हैं उल्टा, ये रहा नाउ दिस। अब देखो इसको देख के बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, तुम इक्वल टू वाई करो, सॉल्व करो तुम, क्या है ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो मतलब ये तो एक सर्कल लिखा हुआ है, एक सर्कल लिखा हुआ है, बट आई नो कि वाई इज माइनस ऑफ रूट समथिंग, तो वाई मेरा नेगेटिव होने वाला है, तो पॉजिटिव पार्ट को मैं हटा देता हूँ, ये मेरा नहीं आएगा। नाउ लेट सी आर फाइनल ग्राफ, तो मेरा फाइनल ग्राफ क्या आएगा, मैक्सिमम चाहिए ऊपर वाला ले लो, दिस इज द फाइनल ग्राफ, हाउ मेनी किंक पॉइंट्स आर देयर, ये एक दो तीन, तीन आएगा आंसर, ठीक है ना। ग्राफ कल को कुछ मुश्किल भी आ गया तो वो मुश्किल दिखने में लग रहा है, इक्वल टू वाई करके लिखोगे तो या तो वो पैराबोला बन जाएगा या तो वो हाइपरबोला बन जाएगा, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड कर्व बन जाएगा वो, जेई मेन पे तो एटलीस्ट, जेई एडवांस में तो प्रॉपर क्लास करते हैं हम लोग कर्व स्केचिंग एंड ऑल की अलग से, है ना, बट मेंस में इतना नहीं चाहिए वो सब। यस अक्षत सर, जो इसमें एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स हैं वो नहीं, कॉर्नर पॉइंट्स तो देख इंक्लूडेड ही नहीं है ना। ओके सर, है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में मैं बाद में आता हूँ, पहले हम लोग ना ये मॉड वाले क्वेश्चन थोड़ा कवर करते हैं, वो बोरिंग सा क्वेश्चन है, पहले ये सब करते हैं जिससे थोड़ा मेजर कॉन्सेप्ट्स कवर हो पहले, फिर उस पे आएंगे, है ना। सो अभी मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है कि लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल, तो मुझे समेशन ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट, मतलब मुझे सेट ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे मेरा एफ एक्स इज गोइंग टू बी नॉन डिफरेंशियबल इन नेचर। तो अगर मुझे नॉन डिफरेंशियबल करना होता है मॉड, तो मेरा थॉट क्या था कि अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो जहां पे भी इंडिविजुअल मॉड जीरो हो रहा है फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशियबल। तो पहले तो मेरे पास एक्स इक्वल टू थ्री एक पॉइंट आ गया, राइट? उसके बाद अगर मैं ये पूरा एक्सटर्नल मॉड को देखता हूँ, एक और मॉड भी है, इसको भी जीरो कर सकते हैं, तो टू इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री कैन बी प्लस माइनस टू, तो एक्स का वैल्यू फाइव भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, तो सेट एस में पॉइंट्स आर वन थ्री एंड फाइव। ओके, अब तुम्हें क्या पूछा गया, दे आर आस्किंग एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ फाइव। आई थिंक नाउ इट इज वेरी वेरी इजी, एफ ऑफ वन क्या है पुट करके देखते हैं, जीरो आ गया, एफ ऑफ थ्री क्या है टू आ गया, एफ ऑफ फाइव क्या है, एफ ऑफ फाइव इज अगेन जीरो, तो इट इज टू टाइम्स एफ जीरो प्लस एफ ऑफ टू। आई थिंक अब आप आंसर निकाल लोगे, ग्राफ बनाने पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस मॉड जहां जीरो हो रहा है काम खत्म कर देंगे, राइट? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ सोचने की जरूरत नहीं है अभी। चलो और देखते हैं, और क्लैरिटी आएगा, और भी मॉड तो बहुत ज्यादा था, जैसे अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चलो मैं तुमसे थोड़ा डिस्कस करते हुए करता हूं, तुम्हें मैं और भी बहुत कुछ बता पाऊंगा फिर। फिफ्थ में क्या है, के बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स, इसमें क्या है, देखो साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, ये बहुत सारे मॉड हैं, एंड दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल, मुझे वो पॉइंट्स चाहिए। सो प्लीज रेज हैंड जिसने भी ये ट्राई किया था, आई वॉन्ट मेथड, नहीं भी ट्राई किया था तो मैं स्टार्टिंग के पेज पे बताया हूँ कुछ बातें, उसी को ही तुम चाहे रिपीट करके मुझे बताओ, बट आई वॉन्ट की कोई ये बता पाए कि कैसे करना है। यस मंगल सर, मैंने fx को x equal to 0 पर ओपन कर दिया, जैसे x greater than 0, x less than 0। ओके, 0 प्लस और 0 माइनस तुमने लिखा, ओके मेक सेंस। तो चल मैं थोड़ा सा लिखता हूँ तेरे लिए, ये मेरे पास कुछ ऐसा बन गया है ना। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस साइन x प्लस x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 5 cos x। ओके, आगे क्या करेंगे सर, उसके बाद lhd rhd निकाल के मैंने क्या वैसा कुछ किया था। ओके, डेरिवेटिव देखा फिर उसके बाद जीरो करके किया। ओके, अब देखो एक चीज सोचो मंगल, इसमें देख इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, ये दो इक्वेशंस में क्या चीज है जो बदल ही नहीं रही सर, 2x माइनस पाई कॉस एक्स। बिल्कुल, ये सेम है, तो इसका डेरिवेटिव भी सेम ही आएगा। यस सर, तो इसको तो देखना ही बेवकूफी है, इसको तो हटा दो, ये तो बराबर ही आएगा कुछ भी हो जाए। सही बात है, इग्नोर दिस, इतना ही रह गया क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव क्या है,
cos x minus 1 x equal to 0 पे 0 आ गया. Yes sir. इसका derivative क्या है? Minus cos x plus 1 derivative क्या आया? 0 आ गया. Equal है. तो yes, function is differentiable at x equal to 0. काम खत्म. Yes sir. Right? तुम समझ पा रही हो ना कि कॉमन सेंस ही है. देखो बराबर है, सेम ही चीज है, तो मैं क्यों लूं डेरिवेटिव जब मेरे को दिख रहा है एक सेम ही आएगा एट द एंड. तो क्यों ही खोलें उसको इतना लंबा? कल को और मुश्किल भी हो सकता है टर्म, सोचो यहाँ पे. राइट? तो वो एग्जामिनर तुम्हें ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है. ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि वो ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, हमें फंसना नहीं है इन सब में बस. ठीक है ना? अब देखो क्यों सिर्फ जीरो पे ही क्यों चेक किया, क्योंकि मॉड जहां पे भी जीरो होता है वहां पे चेक करते हैं. ओनली एक्स इक्वल टू जीरो पे ही था, तो इसी पे ही चेक करना शुरू किया हमने. ठीक है? तो किस किस को क्लियर हुआ अभी? क्लैरिटी 100% आया इस क्वेश्चन में. किया मतलब छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ये समझ में आनी चाहिए बस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है सेवेंथ में क्या है कि एफ एक्स इज मेरे को गिवन है कि जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. Okay, so I am back. So, अभी हम continue करते हैं. So, in this, there is a function fx, जो हमें mod की form में अभी तो दिया हुआ है. Now, we want set of all the values of x, where the function f of fx is not a differentiable. अब देखो, इसमें भी same कहानी है, कि पहले तो input को check करना ज़्यादा जरूरी है. फिर उसके बाद जाएंगे f of fx पे. अगर input ही गलत है, तो फिर output तो कैसे ही आ सकता है. तो fx कहाँ पे non-differentiable है? जहाँ एक ही mod है, मतलब x equal to 10 is the point जहाँ पे non-differentiable होगा. What is f of fx? It is 15 minus mod fx minus 10. That is 15 minus mod x minus 10 minus 10. ऐसा लिख देते हैं इसको. क्या बन गया ये? 15 minus mod 5 minus mod x minus 10. This is the thing we are getting. एक mod ये है. कहाँ पे 0 हो रहा है? x equal to 10 पे. एक outer mod भी है. That is 0 at 5 x mod x minus 10 equal to 5. तो we have x minus 10 equal to plus minus 5. तो I guess यहाँ से दो और points आ गए, 5 and 15. तो in total we are getting 3 points. वो तो repeat ही हो गया एक point, but totally we are getting 3 points. ये तुम्हारा luck था कि तुम्हारे पास ये एक पॉइंट रिपीट हो गया, जिसने एफएक्स नहीं भी चेक किया था तो उसका आंसर आ जाता, बट हो सकता है पेपर में ये लगना काम आए. चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं. आई होप अभी तक काफी कुछ समझ में आ रहा है. नेक्स्ट इज 8th वन. इस डीपीपी में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे मुझे लगता है, तो मैं ज्यादातर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ. तो 8th में क्या है? fx is given to us as a piecewise defined function. gx is mod of fx plus f of mod x. And in the interval minus 2 to 2 हमें बताना है कहाँ continuous है, differentiable है. अब कई लोग बोलते हैं मैं तो graph बना दूंगा सर, पर तुम एक individual graph बना दोगे, but you can't overlap them. F जानते हो, G जानते हो, F plus G बनाना बहुत मुश्किल होता है. हमें लगता है कि बन जाएगा directly, ऐसा नहीं होता है वो. ठीक है ना? तो हमें individually deal करना पड़ेगा इन चीजों से. जैसे mod of fx है पहले, तो mod of fx का मतलब क्या? Output पे mod लगा दिया. तो mod fx मेरा क्या बन जाएगा? पहले आएगा mod of minus 1, that is 1, when x belongs to minus 2 to 0. And it is mod of x square minus 1 when x belongs to 0 to 2. ये part अभी भी mod है, यहाँ पे इसको break करो. It is x square minus 1 when x belongs to 1 to 2. And it is 1 minus x square when x belongs to 0 to 1. ये आ गया. Same तरीके से हमें देखना है f of mod x. अब f of mod x में कहानी क्या चल रही है कि x की जगह पे mod x कर दिया गया, input की जगह पे mod x कर दिया गया. तो it will be minus x when mod x belongs to minus 2 to 0. And it will be x square minus 1 only, mod x square minus 1 basically, when mod x belongs to 0 to 2. mod x negative तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये तो reject हो गया. बचाई सिर्फ ये part, तो it is always x square minus 1. अब तुम दोनों को add कर दो, तुम्हारा gx क्या बन जाए? When x belongs to minus 2 to 0, you are getting only x square. 1 plus x square minus 1 है, क्योंकि between 0 to 1, 0 हो गया.
between 1 to 2, it is 2 times x square minus 1. I guess now it is very easy for you to find whatever they are asking. But target is ki, sochna kaise bahar mod lagaya to output pe mod lag gaya. F ke andar koi change kiya hai, to it is like x ki jagah pe same cheez se replace kar do, kaam khatam ho jayega, jo bhi banega dekh lenge. Theek hai na? To ye question bhi ho gaya abhi hamara. So, aage badhe yahan se. Acha, kisi ka koi doubt to nahi bacha isme first of all. You can raise hand agar kisi ka koi doubt hai isme. Ninth question. Ninth is also amazing question. Dikhne mein acha laga hai. Meko pata to nahi hai kaise karenge solve, but dikhne mein bahut sahi lag raha hai kyunki teen se teen functions hain. Question kya hai ki let s be a function, it is mod x minus pi e power mod x minus 1 sin mod x is not differentiable. To mujhe aisa set nikalna hai jahan pe ye function non differentiable hoga. So anyone from you who want to share their method, then I will definitely share my thought also. दो तीन बच्चे हैं जो थोड़ा इंटरेस्टेड होते हैं. व्हाट अबाउट अदर्स? तुम लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते हो? इतना क्या हो गया? गलती तो बताओगे ज्यादा से ज्यादा. क्या ही हो गया उसमें? सूर्यांश, सूर्यांश तो ले जाएगा नंबर, मुझे बताया. वो डिस्कशन में तो इन्वॉल्व हो रहा है एटलीस्ट. हां सूर्यांश, 0 और पाई पे डिफाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा कॉमन आ रहा है जिसको डिफरेंशिएट ना करना पड़े. ओके, अब जैसे जहां मॉड 0 है दैट आर 0 एंड पाई, इन पे चेक करना है. ओके, मान ले 0 पे चेक करना चाहते हो तुम, तो कैसे प्रोसीड करोगे? तो प्लस और माइनस डाल के देखेंगे. ओके, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेने में तो सोचना कितना टाइम लग जाएगा. फिर इतना लंबा वो चीज में बोला था कि जो कॉमन आ रहा है उसको डेरिवेटिव, जैसे आपने पहले बताया था. अब कॉमन आएगा नहीं ना, काफी कुछ कॉमन नहीं आएगा ना. दैट इज वहां पे क्या था ना, प्लस समथिंग था. यहां पे मल्टीप्लिकेशन में है वो चीज, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में. दैट इज द प्रॉब्लम. खोलना पड़ेगा थोड़ा. हां, थोड़ा खोलने में तो मुश्किल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा. यस सर. चलिए ऐसे सोच, तीन फंक्शन है ये, ए ये बी ये सी है. अच्छा, इसका डेरिवेटिव एबीसी की फॉर्म में बताओ क्या होता. सर एबीसी के फॉर्म में सर ए * बी बी डेरिवेटिव क्या सेस. हां, ए' बीसी. कुछ भी हो जाए, बी तो है यहाँ पे, यहाँ पे सी है, जीरो ही होना है. यहाँ पे भी है, लिखने की क्या जरूरत है, ये तो जीरो ही आएगा हमेशा. फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो. समझ में आया बात? यस सर. तुम वैल्यू पहले पुट कर रहे थे, मैंने बोला मेरे को तो वेरिएबल पसंद है, वैल्यू मैं बाद में पुट कर दूंगा जहाँ जो बचेगा नॉन जीरो. अब सोचो एफ डैश पाई में क्या होगा. पाई पे ए जीरो है, सी भी जीरो है. फिर से सेम बात हो गई. फर्स्ट फंक्शन इज जीरो, सेकंड फंक्शन में भी ए है जीरो, थर्ड फंक्शन में भी ए है जीरो. जीरो डिफरेंशिएबल आ गया. यस सर. ठीक है ना? अब तुम्हें मेथड सबको आई गेस समझ में आ गया है कि अब तुम लोग बहुत तेजी से कर सकते हो. तुम्हारे दोस्त लोग 4-4 मिनट लगाएंगे ऐसी चीजों में, तुम फटाफट कर सकते हो. ए बी सी है यार, लोग पहले वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू बाद में पुट कर रहा हूं. दैट इज द ओनली डिफरेंस. कॉमन सेंस ही लगा रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं है, कोई बहुत टॉप मेथड है, इट इज जस्ट लाइक कॉमन सेंस. ठीक है, तो किस किस को समझ में आया ऑन बताओ, हैंड रेस करके पहले. तो What about the remaining people? Okay, तो मैं और question देखते हैं इसी type के, शायद और clarity मिले. अब चलो 10th बाद में कराता हूँ, एक इसी type का और question भी कोई होगा multiplication वाला. हाँ, 14th question है जैसे, इसमें भी multiplication है ना? एक और question करके देखते हैं, clarity आएगा, फिर अपने doubts बचे हुए, पहले इन questions के clear करना. 14th में क्या है, देखो fx is, there is a function into mod of this term. I need continuity and differentiability. Continuity को तो check ही नहीं करना, मुझे पता है दोनों ही function continuous है, product भी continuous ही आने वाला है 100%. मुझे अब चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी. मॉड कहां पे 0 है? 1 एंड 5 पे. चेक नहीं भी करना तो ऑप्शन से पता लग रहा है. अब दिस इज ए, दिस इज बी. एफ डैश क्या होगा? ए डैश बी प्लस ए बी डैश. व्हाट इज हैपनिंग एट 1? 1 पे ए तो 0 है, बी भी 0 है. यहां पे बी आ रहा है तो 0 ही होगा, यहां पे ए आ रहा है तो 0 ही बनेगा. ओवरऑल दिस इज 0, इट मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1. 5 पे देखो, 5 पे बी तो 0 है पर ए का वैल्यू 0 नहीं है, तो फर्स्ट फंक्शन तो 0 आ गया, सेकेंड फंक्शन नहीं बन रहा जीरो. सेकेंड फंक्शन क्या बन रहा है? इट इज 120 इनटू बी डैश. बी डैश इज नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि वो तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं ना. 5 प्लस पे अलग वैल्यू देगा, 5 माइनस पे अलग वैल्यू देगा, तो डेफिनेटली योर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल. ठीक है ना? तो दैट इज हाउ वी हैव टू थिंक. किस किस को अभी क्लियर हुआ, पहले जिनको नहीं हुआ था? Awesome है ना? अभी देख लेते हैं बचे हुए भी क्वेश्चंस, मॉड वाले जितने भी हैं. थॉट यही है पूरे चैप्टर में, मैं यही थॉट लगाने वाला हूँ. मॉड जहाँ 0 है उसको देखो, बाकी कुछ नहीं देखना. सो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. सो 10th क्वेश्चन में क्या है? fx is given to me as mod of log 2 minus sin x, और मुझे gx given है f of fx. g dash 0 की बात हो रही है, डिफरेंशिएबिलिटी एट 0 की बात हो रही है. ये ना क्वेश्चन जेई मेंस का PYQ है, और ये मेरे ही पेपर का क्वेश्चन था. और ये क्वेश्चन की कहानी है कि ये सबसे आखिरी में अटेम्प्ट किया था मैंने, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो पेपर का था, क्योंकि मेरा एक ही क्वेश्चन मैथ्स में था जो हो ही नहीं रहा था सॉल्व. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मॉड से मैं डील कैसे करूं वहां पे. ये ऐसा क्वेश्चन था, बट सबसे एंड में जाके मैंने यही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, लास्ट अटेम्प्ट जो मेरा क्वेश्चन हुआ था पूरे पेपर में. तो
इसमें मेरे को कंफ्यूजन सबसे ज्यादा ये आ रहा था कि पूछ तो जीरो पे रहे हैं पर इस मॉड का क्या करूं, ये मॉड ही मेरे को इतना कंफ्यूज करता जा रहा था कि मैं एफ ऑफ एफ एक्स लिख ही नहीं पा रहा था। जैसे मैंने इतना सोच लिया था कि देखो जी डैश एक्स क्या होगा, इट इज एफ डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स ऐसा होगा, बट अब मैं एफ को ही नहीं डिसाइड कर पा रहा था, मैं फंस जाता था बार बार, कभी पॉजिटिव आंसर आ जाता था मेरा, कभी नेगेटिव आ जाता था, दो तीन बार ट्राई किया, दो तीन बार अलग आंसर आया। तो फिर मुझे बाद में एकदम से चमका लास्ट में पेपर में कि यार पूछ तो एक्स टेंडिंग टू जीरो पे रहा है, तो एफ एक्स में मॉड का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, एफ एक्स तो आपका टेंडिंग टू जीरो पे लॉग टू माइनस साइन एक्स बन जाएगा, लॉग टू माइनस साइन एक्स बनेगा, मॉड का कोई तो बस डराने के लिए दिया था। एफ डैश एक्स क्या है, माइनस कॉस एक्स। नाउ यू नीड द वैल्यू एट जीरो, जीरो पुट करते हैं, वॉट इज एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो इज माइनस वन, वॉट इज एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इज लॉग टू, तो वॉट इज एफ डैश लॉग टू, एफ डैश लॉग टू इज माइनस ऑफ कॉस ऑफ लॉग टू, तो ओवरऑल आंसर क्या हुआ, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, योर आंसर इज कॉस ऑफ लॉग टू, क्वेश्चन खत्म। अब तो मैंने साफ सुथरा लिखा तो मेरा सही आंसर आ गया, बट पेपर में इतना गंदा गंदा मैं लिख रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, कभी माइनस वन आ रहा था, कभी माइनस वन मिस हो जाता था, ठीक है, दैट वॉज वन इशू, बट ये आपको अब समझ में आना चाहिए कि अरे मॉड का कोई सिग्निफिकेंस था ही नहीं, ठीक है। चलिए देखें आगे, तो नेक्स्ट इज 12th वन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आगे के क्वेश्चन मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए तुम्हारे साथ 14, 15th भी। इसमें क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द गिवन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल। ज्यादातर लोग बनाएंगे ग्राफ, तुम्हें नहीं बनाना, तुम्हें बेसिक से कर देना कि जहां पे भी मॉड जीरो है काम खत्म कर दो, मॉड एक्स है एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, बाहर वाले मॉड को भी जीरो करो, तो वी आर गेटिंग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड एक्स माइनस फोर इज जीरो, फैक्टर्स क्या है मेरे, मॉड एक्स माइनस फोर एंड मॉड एक्स प्लस वन, तो आई एम ऑल्सो गेटिंग टू मोर रूट्स दैट आर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फोर, इन टोटल वी हैव थ्री पॉइंट्स, काम खत्म, तुम्हें ग्राफ के बारे में सोचना ही नहीं है, हम तो बेसिक से कर देंगे, ग्राफ तो की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सो अभी आई थिंक जितने मुझे क्वेश्चंस करवाने थे आई कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने करे हैं इतने टाइम में, तो तुम पेपर में भी कर सकते हो काफी अच्छी स्पीड पे, अगर आपको कोई टफ क्वेश्चन भी आ गया ना, वो आएगा किस पे, या तो ग्रेट टेस्ट इंटीजर पे बेस्ड, या तो वो होगा मॉडुलस पे, मैं अब तुम्हें दोनों चीजों से डील करना एटलीस्ट आ गया। सो यस यू कैन रेज हैंड, यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट नाउ। मंगल सर, टीपीपी 2 क्वेश्चन 11 डिस्कस किया था क्या हमने? नो सर। ओके, तो डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा ग्राफ बनाने में इशू आया तेरे को 1 माइनस कॉस एक्स के, तो बस उतना ही समझा दूं 1 माइनस कॉस एक्स कैसे बनाते हैं? नहीं सर, ग्राफ बनाया उसके बाद कैसे कैसे वो ओवरलैप कर रहा है वो मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा, कि इन्होंने ऐसे कैसे बना दिया, तेरे को कंबाइन करके नहीं समझ में आया कि कैसे? यस सर। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कैसा है? ऐसा, ठीक है ना। यस सर, हम ना दूसरे पे करते हैं, मेरे को क्वेश्चन तो मिल ही गया, हम इस वाले पे करते हैं, इस पे काम बन जाए, एक मिनट। हाँ अब ठीक है, व्हाइट पेज दिख रहा होगा क्लियरली, राइट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स मान लेते हैं बड़ा सा, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स मान लेते हैं। यस सर। तो अब चलते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ था ये, तुम्हें चाहिए पहले माइनस कॉस एक्स, मतलब उल्टा कर दिया इस ग्राफ को, वाई की जगह माइनस वाई, मतलब ग्राफ उल्टा हो गया, मिरर इमेज इन वाई एक्सिस, ये बना। यस सर। तो एक मिनट में साफ सुथरा बना ही दूं इसको, अदरवाइज हमें ही कंफ्यूजन हो जाएगा। सो ऐसा कुछ जाएगा, ये कहाँ पे कट करेगा, यहीं पे कट करेगा, और ये ओके परफेक्ट है। अब तुमने क्या किया, ये माइनस कॉस एक्स था, इसमें तुम कह रहे हो कि इसको माइनस कॉस एक्स प्लस वन कर दो, मतलब एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो। यस सर। एक यूनिट ऊपर शिफ्ट करेगा, ऐसे जाएगा कट के, सोच के देख कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा। अब तुझे ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया कहाँ पे आएगा, ये क्या था, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, नहीं सॉरी पाई बाई टू, ये क्या बन रहा है, पाई बाई टू पे वन बन रहा है तुम्हारा, तो यहाँ पहुंच चुका है वो, राइट। तो इस तरह से वो कट करके तुम्हारा निकल जाएगा आगे ऊपर सो कहीं से, आई थिंक अभी तो काफी क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है ना, अब ओवरलैप, अब आगे तुम्हें चाहिए मैक्सिमम ऊपर ऊपर वाली चीजें उठा लो, जहां पे भी सबसे ऊपर जो दिख रहा है, ये आ गया, कितने किंक पॉइंट है, एक दो तीन, तीन आएगा आंसर। यस सर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोचना है ग्राफ को, कभी भी सोचना है, एक एक स्टेप करके जाएंगे, एक साथ मत पूरा इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कभी भी। सो एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू आस्क? यस सूर्यांश सर, एक बार वो बता दीजिए सर, अगर कोई मॉड फंक्शन उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सर उसमें कभी-कभी डाउट होता है सर, डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड एक्स कैसे करना होता है, प्लस माइनस करके देखो क्या बन रहा है सर, दो वो मतलब तो पीस वाइज डिफाइन करना पड़ेगा उसको लिखने के लिए, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना भाई, मॉड मॉड एक्स तो नॉन डिफरेंशिएबल है ना, एक्स इक्वल टू 0 के। हां यस सर। तो वो तो क्या ही क्लियर, पहले पेज पे पहली लाइन यही पढ़ी थी ना हमने। यस सर। तो सर इसमें कभी-कभी डाउट होता है, क्वेश्चन भी आया हुआ है। हां नहीं, वो सब तो ठीक है, पहले पेज पे पहली लाइन पढ़ी थी ये तो हमने। यस सर, आज थोड़ा लेट जॉइन किया था। So anything else? I think questions में कुछ नहीं बचा। So if you want to ask anything else, you can raise hand। बाकी लोग leave कर सकते हैं। Bye bye everyone, take care।